हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को NTUGC नेट के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पढ़ाती हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन है। इस टॉपिक का मतलब यह है कि जो टीचर एजुकेशन होती है, जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पर इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन का मतलब कुछ न्यू थिंग्स आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए इसको इन डिटेल्स में देखते हैं। इनोवेशन वर्ड कहाँ से आई है? ये जो इनोवेशन वर्ड है, ये इनोवेशन वर्ड आई है लैटिन वर्ड इनोवेरा से, जिसका मतलब है चेंज समथिंग इनटू समथिंग न्यू। मतलब जो पुरानी चीज है उसको चेंज करके कुछ न्यू चीज लेकर आना, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। इट इज एन एडवांसमेंट ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टीचर एजुकेशन के लिए इनोवेशन आना मतलब जो टीचर्स ट्रेनिंग्स होती है, वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू प्रैक्टिसेस को लेके आना। देयर हैज बीन सीन अ रिमार्केबल शिफ्ट इन द मेथड्स ऑफ एजुकेशन सर्विस ओवर द ईयर्स। रिसर्च एंड इनोवेशन प्ले एन इम्पर्टिव रोल रिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग फॉर ऑल लेवल ऑफ टीचिंग। They call to introduce new ideas and practices in classroom transaction and other curricular and co-curricular activities. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो हमारी एजुकेशन है, ठीक है, इन पूरी एजुकेशन सिस्टम में हमें इनोवेशन लेके आना होगा। किस तरीके से? कुछ न्यू मेथड्स यहाँ पर लेके आना होगा। जो पुरानी मेथड्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके न्यू मेथड्स को लेके आना होगा। यहाँ पर जो रिसर्च होती है, जो इनोवेशन होती है, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, जो हमारी को करिकुलम एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन होती है, उन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा इनोवेशन के ऊपर। अब देखिए पर्पसेस क्या होती है, चलिए जानते हैं। There is an extensive disparity among the countries with regard to the term of innovation. देखिए पूरी कंट्री में इनोवेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनोवेशन से ही हमें क्या मिलेगा? टीचिंग ट्रेनिंग की जो प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में इनोवेशन लेके आना होगा, तभी इसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एनहेंस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए क्या बोला है, द यूज ऑफ कलर्ड स्टॉक्स मे बी रिगार्ड एज बीइंग एन एजुकेशनल इनोवेशन इन सम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड रीजियंस ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एज इन अदर एडवांस कंट्रीज इनोवेशन मे बी रिगार्डेड एज टू डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ डिफाइंड टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स प्रैक्टिसेस। इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हैज इंटेंसली एंटर्ड इन टू एवरी एरिया ऑफ अवर सोसाइटी। Today's generation is growing up with remote controls and they spend more time on computers, internet, playing video games, etc. than reading books. Even toys are now filled with button and lights. तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, उस पूरी वर्ल्ड में इनोवेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। किस टाइप की इनोवेशन? यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है एजुकेशन में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ लेकर आया जाता है। सब न्यू मेथड्स है, न्यू प्रैक्टिसेस है, जिसके थ्रू क्वालिटी एनहेंस हो सके एजुकेशन में। यहाँ पर जो हमारे इंडिया है, इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो एंटर्ड हो चुकी है, ठीक है। कैसे हम लोग समझेंगे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आई है? क्योंकि देखिए आज की जो जनरेशन है, वो सब कुछ रिमोट कंट्रोल से वो लोग सब कुछ चलाते हैं, राइट। यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग जो बच्चे होती है, वो कंप्यूटर्स बैठे हुई होती है, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, गेम्स खेलती है, मगर रीडिंग बुक से ज़्यादा। इवन टॉयज आर नाउ फील्ड विद बटन। जो टॉयज होती है वहाँ पर भी कुछ बटन लगाया होता है। जो रिमोट कंट्रोल कर्स होती है, वहाँ पर जो कर्स चलती है वो एक रिमोट से चलती है, रिमोट उस कर को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर एक इनोवेशन ही है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इनोवेशन है, उस इनोवेशन में जैसे हर एक चीज़ नई नई चीज़ आ रही है सोसाइटी में, ठीक वैसे ही एजुकेशन में वही नई नई चीज़ आए, एजुकेशन पर भी कुछ न्यू मेथड्स आए जिसके थ्रू क्वालिटी एनहेंस हो सके, ठीक है। तो देखिए कौन से यहाँ पर इनोवेशन बोला जा रहा है। यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स की, इनोवेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन का मतलब हो सकता है
एडुकेशन में कोई न्यू मेथड्स हो सकते हैं, एडुकेशन में कोई न्यू मीडियम आए, हो सकता है कि एडुकेशन के अंतर्गत कुछ जो न्यू प्रैक्टिसेस होती है वो सारी चीज को लेकर आया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही हम इनोवेशन नहीं बोलेंगे, जो भी चीज न्यू आएगी ठीक है, पुराने चीजों को चेंज करके या मॉडिफाई करके उसको ही हम इनोवेशन कहेंगे। तो देखिए फर्स्ट इनोवेशन क्या है, फर्स्ट इनोवेशन है हमारी टीम टीचिंग कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस। व्हेन टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव टू वर्क अंडर सो मेनी लिमिटेशन देन द प्रैक्टिस ऑफ टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव कोलैबोरेशन टीचिंग इज गुड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी लिमिटेशन आती है ठीक है टीचर एंड स्टूडेंट में, जब भी टीचर एंड स्टूडेंट काम करेगा तब वहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ जाएगी, लिमिटेशन आ जाती है, तो उस लिमिटेशन को दूर हटाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, टीम टीचिंग एंड कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव टीचिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस इज अ टीम वर्क वेयर मेंबर्स सपोर्ट एंड रिले ऑन ईच अदर टू कंप्लीट एंड एग्रीड अपॉन गोल। मतलब जो गोल्स है ठीक है या जो ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेंबर्स होती है वो सारी मेंबर्स एक साथ होके वो काम करते हैं और उस गोल को अचीव करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ पॉपुलर टीचिंग स्ट्रेटेजी इन विच स्मॉल टीम्स each with students of different level of ability use a range of learning activities to increase the understanding of the subject। ये जो collaborative learning होती है यहाँ पर क्या होता है, इस collaborative learning पर कुछ small team गठित किया जाएगा और उस small team पर different levels of ability, different levels of ability का मतलब suppose कीजिए एक team है, उस एक team के अंदर का 10 बच्चे है right, और उस 10 बच्चे में हर एक बच्चे का जो भी एबिलिटी होगा, जो भी कैपेबिलिटी होगा, मतलब जो भी क्षमता होगा वो क्षमता डिफरेंट होगा, और उसकी वजह से क्या होती है वो लोग उसकी जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रिहेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। किसी एक बच्चे को कुछ चीज़ समझ में ना आए तो दूसरा बच्चा क्या करती है, हेल्प कर देती है और एक साथ मिलाकर काम करेगा तो जो गोल्स है वो भी अच्छे से इफेक्टिव वे से अचीव होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंतर्गत क्या है, देखिए फर्स्ट हो गया हमारी टीम टीचिंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, सेकंड हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन। रिफ्लेक्शन वन ओन्स वर्क इज अ की कंपोनेंट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर। टीचर्स मस्ट ऑब्जर्व देयर बिलीफ एक्सपेक्टेशन and prejudice regarding teaching, learning and determine how these beliefs influence classroom practices. इसका मतलब क्या है समझिए कि सपोज कीजिए एक टीचर है जो कि क्लासरूम में जो भी पढ़ाया है उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करते हुए वो देखेगा कि वो कैसे पढ़ाया है क्लासरूम पर, अब उन सारी चीज़ों में वो टीचर देखेगा कि कहाँ पर उनका गलतियाँ था, कहाँ पर उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, कहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते थे, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है उसकी जो अटेंडेंस है, उसकी जो अटेंशन है वो ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो खुद की जो भी वर्क है उस वर्क को थोड़ा सा मतलब रिफ्लेक्ट होकर वो देखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा खुद की काम को, जैसे हम लोग मिरर में खुद को रिफ्लेक्ट वे से देखते हैं ना हमारी इमेज को, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर उनकी जो भी काम होती है वो सारी काम को फिर से वो देखेगा, ठीक है जो काम ऑलरेडी हो चुकी है उन सारी काम को देखेगा, उन सारी काम को देखते हुए वो खुद की खुद करेक्शन करेगा एक टीचर। तो यहाँ पर उनकी बिलीव्स, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो प्रिजुडिस होती है वो सारी चीज़ ऑब्जर्व करके वो अब सेट करेगा कि नेक्स्ट डे जब वो क्लासरूम पर जाएगा तब वो कौन से टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ जाएगा, ठीक है अब वही सारी चीज़ क्लासरूम प्रैक्टिसेस में क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। Reflection discussion, the ongoing process of analytical examine and refining the practice. तो यहाँ पर refine किया जाता है खुद की practices को, खुद की works को, taking into carefully deliberation the personal, pedagogical, societal and ethical context related with school, classroom and the multiple roles of teachers. तो एक teachers का जो भी roles होगा, चाहे वो कोई pedagogical हो, चाहे वो कोई personal हो, चाहे वो कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई नॉर्म्स क्यों ना हो, ठीक है जो भी वो बिहेवियर या जो भी उनकी जो वर्ड्स है वो क्लासरूम में करेगा, उन सारी चीज़ों को होने के बाद वो क्या करेगा, फिर से ऑब्जर्व करेगा और उसको रिफाइन करेगा। क्लियर,
अच्छा नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड टीचर एजुकेशन। यहाँ पर क्या होगा, द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हैज इवॉल्व फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये कहाँ से आई है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड होती है पियाजेट, वाइगस की, गर्डिनर, ड्यूवी, टॉलमैन, इन सारी थ्योरी से। क्योंकि पियाजेट, वाइगस की, गर्डिनर, ड्यूवी एंड टॉलमैन, इनकी जो थ्योरी है वो सभी कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर बेस है। Thus, it is an amalgamation of many dominant viewpoints of learning. Constructivist learning is based on students' active participation in problem solving and critical thinking regarding a learning activity. इसका मतलब देखो, जो constructive होती है, ठीक है, या constructivism होती है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चा खुद सब कुछ ऑब्जर्व करेगा, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उन सारी चीज़ों को एक्टिव होने के साथ साथ वो क्या करेगा, कुछ लर्न भी करेगा, कुछ नॉलेज को गेन भी करेगा, ठीक है। तो वो जो देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को एक्शन एंड रिएक्शन के थ्रू जब वो सीखते हैं खुद, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट को एक्टिव होना होगा, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्रिटिकल थिंकिंग जो भी एक्टिविटी है उसमें। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, जब एक टीचर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन देती है तो वो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। अब वो सॉल्व करने के लिए जितना भी प्रॉब्लम्स या जितना भी सिचुएशन वो फेस करते हैं उन सारी सिचुएशन से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनकी जो भी पास्ट या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उन सारी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो उन इवेंट को या उन इंसिडेंट को एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, खुद वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, देखो अब जब भी कुछ सोचोगे तो अब लॉजिकली सोचोगे, अब स्टेप बाय स्टेप सोचोगे, अब इन डीप सोचोगे, आपकी सोचने की तरीका जजमेंटल होगा, ठीक है। तो जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उस समय आप उनकी जो भी मतलब स्टूडेंट की जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होगा वो जजमेंटल होगा, वो लॉजिक बेस्ड होगा, वो सब स्टेप बाय स्टेप एंड सिस्टमेटिक होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टिविज्म होती है जो भी थ्योरी, वहां पर यही चीज फोकस किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होती है वो उस काम पर एंगेज रहे, एंगेज रहेगा, जो भी चीज करेगा वो खुद से करेगा और खुद के एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके करेगा। इसके थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करेगा मतलब गठित करेगा किसको, खुद की नॉलेज को, ठीक है। बाय ट्राइंग आइडियाज, खुद की आइडियाज से, खुद की अप्रोचेस से, बेस्ड ऑन देयर प्रीसीडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस अप्लाई देम टू न्यू सिचुएशन एंड एसिमिलेटिंग न्यू नॉलेज। जो मैंने कहा था कि उनकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है उन सभी प्रीवियस नॉलेज को या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए क्या करते हैं, कुछ जो न्यू नॉलेज होती है उन सारी न्यू नॉलेज को यहाँ पर वो गेन करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम दिया गया, अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, उनकी जो भी सीखी हुई एक्सपीरियंसेस है या सीखी हुई जो नॉलेज है उस नॉलेज को यहाँ पर इस प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद वो क्या करेगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। अब उस समय बहुत सारी एक्सपीरियंस उसको गेन हो रही है तो न्यू एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेज, इन सारी से वो क्या करते हैं, खुद की नॉलेज को खुद गठित करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब उसके रिलेटेड देखिए और भी स्टेटमेंट है। द टीचर इज अ फैसिलिटेटर, यहाँ पर टीचर का रोल क्या होगा बताओ, यहाँ पर टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर होगा, वो गाइड्स स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर के साथ साथ वो गाइड करेगा कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो,
वो एनालिसिस एंड सिंथेसिस एबिलिटी को भी डेवलप कर सके. द टीचर इज ऑल्सो को लर्नर इन द प्रोसेस. यहाँ पर टीचर फेसिलिटेटर होगा, यहाँ पर टीचर को लर्नर की तरह काम करेगा. हेंस टीचर शुड फेसिलिएट कॉग्निटिव चेंज बाय अवॉइडिंग डिफिकल्टीज थ्रू स्पेसिफिक टास्क दैट पॉज प्रॉब्लम्स टू स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टास्क के रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज स्टूडेंट के सामने दिया जाएगा. In this context, problem-solving teaching procedure is defined as a process of raising a problem in the minds of the student in such a way to stimulate purposefully reflective thinking in arriving at a balanced solution. तो यहाँ पर इस तरीके से उनको एक problem दिया जाएगा कि वो उस problem के इस problem को solve करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो. ठीक है, अब जब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होगा उस problem को solve करने के लिए, तब क्या होगा कि उनके सामने जो भी प्रॉब्लम अराइज होगा तो वो क्रिटिकल थिंकिंग से सोचेगा. अब सिर्फ सोचेगा नहीं, खुद की थिंकिंग को वो देखेगा, फिर से रिफाइन करेगा कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं. तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी होगा. तो इसके थ्रू क्या हो रही है, जो सोल्यूशन हो रही है वो बैलेंस्ड वे में सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम से रिलेटेड. क्लियर. चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग एंड टीचर एजुकेशन. तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है कि जो भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है उस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो मेथड्स है पढ़ाने का, उन दोनों को मिलाकर जो टीचिंग होती है उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्लेंडेड लर्निंग एक्सप्लेन एन अप्रोच टू लर्निंग वेयर टीचर यूज टेक्नोलॉजी. यहाँ पर टीचर क्या यूज करेगा, टेक्नोलॉजी, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन. तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन से होगा. इन कंक्रीट विद एंड एज एन कंप्लीमेंट्री लाइव इंस्ट्रक्शन और पॉसिबली यूटिलाइज कंपोनेंट ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड वेब कोर्स विद अ कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट एंड गाइडेंस. तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू जब टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा हर एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वो लाइव इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर लर्नर सेंटर कंपोनेंट को यूज करना चाहिए. यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यह टीचर सेंटर्ड होगा. ये हमेशा लर्नर सेंटर्ड या जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होती है वहाँ पर जो भी कंपोनेंट यूज किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी यूज किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो भी टीचर होगा वो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू गाइडेंस देगा. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच इज दैट इट प्रोवाइड्स मीन अ सर्टिफाइड लर्नर्स एंड सपोर्टेड एंड डायरेक्टेड एज द कमेंस इंडिपेंडेंट लर्निंग टास्क. तो देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस, यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड कंपोनेंट को भी फोकस किया जा रहा है. उसके साथ साथ देखा ये भी जाएगा कि हर एक लर्नर इंडिपेंडेंट होकर फ्रीडमली हर एक काम कर सके. Use of the web in such setting provides many affordable for teachers and students in form of communication channels. तो यहाँ पर क्या होती है कि जो student and teachers होती है दोनों ही एक साथ communicate कर सकती है बहुत अच्छे से. ठीक है, this characteristics appear to make blended learning well suited to teacher training students, especially those are large groups where direct instructor supports may hard to deliver. Blended learning usually describes learning to combine traditional, मैंने जो कहा था ये traditional teaching के साथ साथ जो भी हमारी information communication technology होती है जैसे कि ICT, इन दोनों को मिलाकर. ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आप हमारी जो traditional teaching है जिसको मैं short पर लिखती हूँ TT, ठीक है, traditional teaching, और हमारी जो भी ICT है, ठीक है, जिसको हम information communication technology कहते हैं, इस दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. और इस ब्लेंडेड लर्निंग में हमें तो पता ही है कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है वो कैसे होती है, मगर आईसीटी कैसा होगा वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि आईसीटी पर इंडिपेंडेंट होगा लर्नर्स, यहाँ पर लर्नर सेंटर कंपोनेंट को यूज किया जाएगा, उसके अलावा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे टीचर एंड स्टूडेंट. और यहाँ पर हर एक टीचर क्या करेगा, हर एक टीचर जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन देगा. यहाँ पर लार्ज ग्रुप पर इसको बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है.
सॉफ्ट स्किल्स एंड टीचर एजुकेशन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। अब सॉफ्ट स्किल के साथ साथ टीचर एजुकेशन को रिलेट भी किया जा रहा है। तो सॉफ्ट स्किल क्या है, देखिए, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट सिंस इट एनर्जीज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी सॉफ्ट स्किल है इसके थ्रू जो भी हमारी नेशन है उस नेशन में एनर्जेटिक होगा टीचर एजुकेशन के लिए। Quality human capitals originate from a quality education process. तो इसके थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एनहेंस होती है। हम लोग अच्छे तरीके से एजुकेशन सिस्टम को वेल प्लान एंड डिजाइन कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनल एट्रीब्यूट्स, तो देखिए अब सॉफ्ट स्किल क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट स्किल की तो एडवांटेज बोल दिया गया, मगर सॉफ्ट स्किल होती क्या है चलिए जान लेते हैं। सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जैसे कि दैट इम्प्रूव्स इंडिविजुअल्स कोलैबोरेशन, जॉब परफॉर्मेंस एंड कैरियर प्रोस्पेक्टिव्स, एंड हर स्किल विच टेंड टू स्पेसिफिक अ सर्टेन टाइप ऑफ टास्क एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो जो भी आपके अंदर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जिसके थ्रू आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। आपकी अच्छा पर्सनालिटी होगा, अच्छा एट्रीब्यूट होगा, तभी आप किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल सकोगे, कोलैबोरेट हो सकोगे। तो यहाँ पर जॉब, आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस होती है, आपकी जो करियर पर्सपेक्टिव होती है, वो भी डिपेंड करती है आपके पर्सनल एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो सॉफ्ट स्किल होती है आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स, और उसकी ऑपोजिट क्या होती है, हार्ड स्किल। तो ये हार्ड स्किल क्या होती है, हार्ड स्किल होती है कि आप जो भी टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बिहेवियर में जो भी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व हो रही है, तो उसको हम हार्ड स्किल कहते हैं, मगर आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है, आपके अंदर की जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल कौन सी चीज़ों को रेफर करती है, वो भी यहाँ पर बोला गया है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी सोशल ग्रेसफुलनेस, मतलब आप जब किसी इंसान के साथ बात करते हो कितना अच्छे से, कितना हंसमुख होकर बात करते हो, यही बात बोली गई है। आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी भी यहाँ पर सॉफ्ट स्किल को रेफर कर रही है। आपकी हैबिट्स, आपकी जो फ्रेंडलीनेस है, आपकी जो ऑप्टिमिज्म है, ठीक है, ये सारी क्या कर रही है, सॉफ्ट स्किल को डिनोट कर रही है। सॉफ्ट स्किल आर मोस्ट रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखो यहाँ पर जो सॉफ्ट स्किल होती है ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। दस द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन कुड एडेड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट कैन नेचर इकोनॉमिक सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इंस्टिलिंग द सॉफ्ट स्किल द करिकुलम ऑफ द टीचर एजुकेशन इज नीडेड ऑफ द प्रोफेशन फॉर इट टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब समझो, देखो एक टीचर के लिए सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, देखो जब एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उनकी जो भी वैल्यूज होती है, उनकी जो भी बिहेवियर्स होती है, उनकी जो भी पर्सनालिटी होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर एक टीचर जितना उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स अच्छा होगा, जितना वो सोशली ग्रेसफुल होगा, अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही पोलाइट वे में बात करेंगे, तो वो सारी चीज रिफ्लेक्ट होगा स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर एक टीचर को वही वैल्यू रखना चाहिए, उसके साथ साथ उनके लैंग्वेज में फ्लुएंसी आ जाए, उनकी जो भी हैबिट है वो पॉजिटिव हो, वो एक फ्रेंडली नेचर की तरह वो बिहेव करे, वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज देखिए एक पॉजिटिविटी को डिनोट कर रही है। तो ये सारी चीज जब एक टीचर के अंतर्गत होगा तो उसकी जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो जाएगा उनके स्टूडेंट को। इसीलिए टीचर की प्रोफेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, ठीक है। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही, यहीं पर खत्म होती है हमारी इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट डे हम लोग आईसीटी इन टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।